हेलो यार, तो कैसे सब लोग आ चुके हैं आपके लिए नई न्यूज़ लेके। तो आज भी बस बहुत सारी न्यूज़ है, तो शुरू करते हैं यार। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करने वाले हम हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो हर्ष बेनीवाल इंस्टाग्राम पर अपने न्यू वीडियो का अपडेट दिए, तो क्या कहे आपको सुन लीजिए। जितने लोग मुझसे पूछ रहे हैं वीडियो का क्या प्रोसेस है और कब तक वीडियो आएगी, तो यार वीडियो पे काम चल रहा है और थोड़ी लंबी वीडियो है और मुझे पूरी वीडियो पे म्यूजिक करना होता है, मेरा मतलब म्यूजिक करने का और कट्स रिफाइन करने का काम है, तो उसमें मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि म्यूजिक ढूंढने में लगाने में थोड़ा लगता है टाइम, तो थोड़ा टाइम लगेगा और वर्थ इट होगा, सच्ची बता रहा हूँ। बहुत प्यारी वीडियो निकल रही है जितनी बना चुका हूँ अभी, और करते हैं, अभी बताऊँगा, अपडेट देता रहूँगा वीडियो का, तो जल्दी आएगी और लगातार काम चल रहा है। देखा होगा अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए मैंने, तो वेट करो थोड़ा, आएगी वीडियो। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो ट्रिगर्ड इंसान अपनी लाइव स्ट्रीम में कहे कि वो आपसे सुपर चैट नहीं लेंगे, तो क्या कहे आपको सुन लीजिए। आप लोग प्लीज अपना पैसा रखिए, माँ बाप आपके आपको पिटाई कर देंगे, आप प्लीज ऐसा पैसे मत लगाओ मेरे पे, एटलीस्ट बस वीडियो देख लो एंड जो वीडियो पे एड्स चलेगी ना उससे जो बनेगा वो बहुत है। आप सुपर चैट प्लीज प्लीज डोंट सुपर चैट मी, रादर किसी लाइक या प्रॉमिसिंग अपकमिंग स्ट्रीमर को सुपर चैट कर दो, ठीक है, बस मेरी स्ट्रीम देख लो, वीडियो देख लो, वही बहुत है। और हाँ, क्योंकि जो वो मिस्टर रैंडम ने एक सुपर चैट करी थी ना 3, डूड मैं सच्ची बता रहा हूँ, उस दिन से मेरे दिमाग में था कि नहीं सुपर चैट मैं बंद करूँगा, लेकिन मेरे को ना पता नहीं था, तो आज फाइनली मिल गया है वो एंड अब से सुपर चैट्स। यस आई एम अनाउंसिंग इट, रुक जाओ, फुल फेस में, फ्रॉम टुडे सुपर चैट्स आर नॉट एक्सेप्टेड ऑन दिस चैनल, बंद, खत्म, टाटा बाय बाय। मतलब तो बात करते हैं नेक्स्ट स्टोरी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले एलजेफ यादव के बारे में। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे एलजेफ यादव से अपना रोस्ट वीडियो कब अपलोड करेंगे, तो वो अपने रोस्ट वीडियो का अपडेट दी है, तो क्या कहे आपको सुन लीजिए। मेरे पास कि रोस्ट कब आएगा, भाई रोस्ट कल आ सकता है, आ जाएगा मेरे हिसाब से, भाई कल आ जाएगा रोस्ट टाइम, मैं आपको शाम तक अपडेट कर दूंगा, तो रेडी रहना, बढ़िया चीज निकालेंगे इस बार, बहुत बढ़िया, तो रोस्ट कल। बात करते हैं नेक्स्ट स्टोरी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले केरी मिनाटी के बारे में। तो कल केरी मिनाटी को एबीपी न्यूज के टीवी चैनल पे फीचर किया गया था, तो इसका छोटा सा क्लिप मेरे पास है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वीडियो मसाज पैराडाइज के साथ इस वीडियो को एक दिन में मिले हैं 8.6 मिलियन व्यूज। जब से ये कोविड शुरू हुआ है मन उठ के काम वाली के साथ भाग चुका है, मैं पहले पर्सन बाहर नहीं जाता था पर वो मेरी चॉइस थी, अब चॉइस नहीं है तो वादियों में घोड़े भगाने के सपने आ रहे हैं। सुबह 9 बजे अपलोड कर दिए थे एंड अदर्स यूट्यूबर ने भी इसकी अनबॉक्सिंग की थी, लेकिन उनको एक टाइम दिया गया था 4 बजे का। तो इसी के रिलेटेड बहुत सारे क्रिएटर्स इरिटेटेड हो गए, जैसे कि ट्रैक एंड ट्रैक उफ अरुण प्रबुद्ध से, अगर मैं नाम सही से नहीं ले रहा तो सॉरी यार, तो अपने ट्विटर में एक ट्वीट करे थे एम्बार्गोस है बिकॉज ए जोक ऑन यूट्यूब एंड टेक्नोलॉजी, ये ट्वीट करे हैशटैग नेपोटिज्म। इस पर टेक्नोलॉजी गान भी रिप्लाई करे समझ सकता हूँ तेरा दर्द एंड अदर यूट्यूबर भी इस पर रिएक्ट किए, तो इन सबका रिप्लाई दिया टेक्निकल गुरुजी ने, उन्होंने ट्वीट करा अभी ख़त्म नहीं हुआ है कल भी होगा, टीजी फैमिली के लिए एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, जलने वालों की तो रूह भी जलानी, इनकी भूख भी तो मुझे ही मिटानी है, बहुत सच बात किए थे केरी मिनाटी भाई, लव यू गाइस। तो गाइस बात करते हैं नेक्स्ट स्टोरी के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं मोहक मीत के बारे में। तो मोहक मीत अपने चैनल पे एक हफ्ते पहले एक वीडियो अपलोड किए थे जिसमें वो बताया कि एक बड़े स्कैम से होने से वो बचे हैं, तो आप भी उनसे सुनिए क्या था वो फ्रॉड, वो कैसे वो बचे। से मुझे एक कॉल आता है कुरियर सर्विस के नाम से जो कि ट्रू कॉलर में सेव था, मैंने जब वो कॉल पिक किया तो उन्होंने कहा कि मैं कुरियर सर्विस से बात कर रहा हूँ और नंबर ये रहा आपके सामने, तो मुझे लगा शायद DTDC कंपनी से ही कॉल होगा, तो मैंने वो पिक किया, फिर मैंने उनको बताया कि किस तरह से हम लोगों को ये शर्ट रिसीव हुआ है, आपके पास हमारा पेमेंट गया, प्लीज़ उसको कैंसिल करिए और आप जो है अपनी कुरियर जो आपका बॉय है उसको आप हमारे पास भेज दीजिए। उस कुरियर सर्विस वाले ने बोला कि आपकी DTDC की रिटर्न रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी, उसके लिए आपको मैं एक UPI का लिंक सेंड कर रहा हूँ जिसमें आपको 5 रुपीज़ पे करके अपनी रिटर्न रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करवानी है।
जब मैंने वो 5 रुपीज पे किए, उसके बाद वापिस से मुझे उसी सेम पर्सन का फोन आता है और वो बोलते हैं कि आपने जो अभी पेमेंट किया है, जिस नंबर में आपका UPI अवेलेबल है उस नंबर पर आपको एक लिंक आएगा। अभी मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, आप नोट कीजिए, अपने रजिस्टर्ड UPI नंबर से अभी जो मैंने आपको नंबर लिखाया है उस पर वो लिंक सेंड करिए। तो उसके बाद उसने कॉल कट कर दिया। तो तब तक हम लोग सोच ही रहे थे कि ये डबल नंबर उन्होंने क्यों मांगा है। हमेशा याद रखिए, इवन ये वाली वेबसाइट्स भी बोलते हैं कि कभी भी आपको किसी को भी OTP नंबर ना दें, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना दें। और ये भी मुझे थोड़ी देर बाद क्लिक हुआ, क्योंकि मैंने DTDC पे मैंने ना ही मैंने अभी कॉल किया था, क्योंकि मैंने ईमेल डाला था जो उन्होंने बोला था वर्किंग डेज पे आपको रिप्लाई आएगा, ना कि आपको संडे के दिन कॉल आएगा। तो ये भी एक आप चीज़ ध्यान में रखिए। ईमेल पे भी स्पेसिफिकली मैंशनड है कि वर्किंग डे में ही आपको हम लोग रिप्लाई करेंगे, क्योंकि आज संडे था। तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ, तो मैंने ट्रू कॉलर में जब चेक किया तो उसमें लिखा था कुरियर सर्विस, नीचे लिखा था बैंक फ्रॉड, जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद सब कुछ क्लियर हो चुका था कि ये एक स्कैम है जिसपे मेरे बहुत सारे पैसे मेरे हाथ से जाने वाले। तो यार वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, प्लीज़ यार सपोर्ट करो। बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रहा, सपोर्ट मिलेगा थोड़ा मोटिवेशन आएगा। प्लीज़ यार सपोर्ट कर दो यार, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ यार, कुछ तो करो यार, शेयर वेयर करो। बाय बाय गाइस, लव यू।